नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से मैदान में उतर चुकी हैं, चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में एक राजशाही परिवार जो है वो चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो देखिए चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनके बेटे महाआर्यमन भी उनका चुनाव प्रचार में पूरी तरह साथ दे रहे हैं। और जिस तरह से वो साथ दे रहे हैं, जिस तरह के उनके भाषण सामने आ रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए वो पकौड़े तलते हुए नजर आए और आज वो शिवपुरी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जोरदार भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाई, नरेंद्र मोदी की तारीफ करी, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं अपने भाषण में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने क्या कुछ कहा। हमारे विधायक लोधी जी ने कहा कि जब महाराज गाड़ी से निकलेंगे तो जो धरती है वो धड़कनी चाहिए, लेकिन आपके बिना नहीं धड़कती, आपके बिना नहीं धड़कती। मैं काफी सोच रहा था कि मुझे यहाँ कहना क्या है, लेकिन मुझे आपसे जो चर्चा करनी थी वो दिल से करनी थी और कुछ प्रभावित कहना था। ये नहीं कि बस खड़े हो राजनीतिक भाषण करते रहो, मन से कुछ कहना था। जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने सोचा है एक युवा होने के नाते, क्योंकि एक युवा सम्मेलन है, अगले हफ्तों में पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया इस देश को देखेगी और दुनिया की सबसे बड़ी चुनाव। और बड़े गर्व से मुझे कहना चाहिए कि इस देश में करीब 50% हम युवा हैं। तो सुना आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बेटे हैं महाआर्यमन सिंधिया, वो जिस तरह से भाषण देते हैं उस तरह से साफ दिखाई देता है कि ये एक आने वाले टाइम में एक बड़े नेता के रूप में निकलकर जरूर सामने आएंगे। सवाल ये खड़ा होता है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चाहते हैं कि मैं अपने बेटे की एंट्री जल्द से जल्द राजनीति में करा लूं? क्योंकि जिस तरह से उन्हें देखिए देखा जा रहा है अपने पिता के साथ चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, और जगह जगह पर प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं को चाय भी पिलाते नजर आए, वो पकौड़े तलते भी नजर आए, ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि बीजेपी पार्टी देखिए परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रही है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर चाहते हैं कि मेरे बेटे की राजनीति में एंट्री हो जाए, तो क्या बीजेपी इसे सफल होने देगी? वह देखिए मीडिया से बातचीत के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, इसका ये संदेश नहीं है कि मैं राजनीति में आना चाह रहा हूँ, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। बस मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपने पिता का पूरी तरह से साथ दूं और हम चुनाव में जीतें। और ये कोई नई बात नहीं है, मैं कई टाइम से, काफी सालों से मैं आपको अपने पिता के साथ नजर आता रहा हूँ, भाषण में भी नजर आता रहा हूँ, चुनाव प्रचार में भी नजर आता रहा हूँ। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वाकई में अपने बेटे की राजनीति में एंट्री कराने चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ एक अपने पिता के प्रति उनका चुनाव में साथ देने का सिर्फ उद्देश्य है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।